नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। देखिए, मैथ के प्रश्न हैं जो कक्षा 6 नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता स्क्रीन पर है। प्रश्न है -1 (-1) को 1 + -1 का योग यानी जोड़ना है। देखिए तो -1 - क्या होगा +1, फिर इसको जोड़ना है तो +1 फिर -1, तो -1 कैंसिल, 1 - 1 = 2 तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, संख्या 109,756 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान के अंतर को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिए प्रश्न तो आप बना लेते हैं, मानते हैं प्रश्न बना लेंगे, लेकिन प्रश्न को समझने का जो तरीका है वो अलग होता है। पहले प्रश्न को समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 10,09,756। प्रश्न कहता है 7 के स्थानीय मान, तो 7 का इसका स्थानीय मान कितना होगा? 700। फिर कहता है जाति मान और अंकित मान, इनका मान होता है जो संख्या लिखी होती है, तो इसका जाति मान कितना होगा? 7। अब कहता है इसका अंतर करिए, 10 से 7 जाएंगे कितना बचेगा? 3। यहाँ पर कितना बचेगा? 9। यहाँ पर कितना बचेगा? 6। अब बोलता है 7 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा? 7 से भाग करिए, 7 × 9 = 63 कितना बचा? 6। फिर 3 उतारिए, 7 × 9 = 63 कितना बचा? 0। तो शेष फल इसका कितना आया? 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिन्हें 6, 10 और 14 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3, 7 और 11 शेष बचे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 6, 10 और 14 क्रमशः शेष बचता है 3, फिर बचता है 7, फिर बचता है 11। अंतर करिए, 3 बचा इसमें भी और 3 इसमें और 3 इसमें। अब देखिए प्रश्न को समझने की बात है, यहाँ पर 6, 10 और 14 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 3 × 1 = 3, 5 + 7, 5 × 5 = 5, 7, 7 × 7 = 7, 3 × 6 = 25, 30 × 7, 7 × 21 = 0, 210 एलसीएम इसका आया, 210। अब कहता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप 3 अंकों से बड़ी संख्या लिख लीजिए। 3 अंकों से बड़ी संख्या लिख लेंगे, फिर आप 210 से भाग कर लीजिए। 210 से जब भाग करेंगे तो आपका जो है 210 से भाग करेंगे तो ये चक्कू पर जाएगा 4 पर, 4 × 0 = 0, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 कितना बच्चा? 9। यहाँ पर बच्चा 5, यहाँ पर बच्चा 1। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें से आप घटा दीजिए 9, 9, 9, तो यहाँ पर 1, 5 और 9, यहाँ पर 1, 5, 9, यहाँ पर कितना बच्चा? 0। यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 8। अब देखिए यहाँ पर 3 शेष बचता था, आप 3 इसमें से घटा दीजिए, यहाँ पर बच्चा 7, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी 837 होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मान बताना है 1 - 0.02
0.1 इसका मान बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, घटाते हैं 1.002 घटा दीजिए, कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना बचेगा 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब गुणे 0.1 से गुणा करिए, जब एक से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पर तीन स्थान पर पॉइंट लगाना है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा 0.098, कौन सा ऑप्शन होगा 0.098, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक दुकानदार पंखे की अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद 9% लाभ कमाता है, यदि पंखे का क्रय मूल्य 300 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य ₹100, अंकित मूल्य कितना है ₹100। अब एक्स का 75%, क्योंकि 25% तो छूट दे देता है ना, तो 75% बटे 100 बराबर, अब देखिए बराबर 9% का लाभ लेता है, तो 109 गुणे 300% है तो बटे 100, प्रतिशत से 100 से 100 कैंसिल। अब x बराबर 109 गुणे 300 बटे 75, 75 चक्कू 300, 9 चौक 36 और 4 करना 4, 436 रुपये उसका अंकित मूल्य था, 436 रुपये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं एक किताब के 3/8 भाग पहले दिन पढ़ा और बची हुई किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, अब भी किताब में 30 पन्ने हैं बचे हैं, बताइए उस किताब में कुल कितने पन्ने हैं। देखिए अगर शेष का बात आती है तो क्या करते हैं, जैसे लिखा है 3/8, फिर लिखा है 4/5, ठीक है, और 30 पन्ने शेष बचते हैं तो गुणे में 30 कर दीजिए। अब इसको कैसे हल करते हैं ये ध्यान देना आपको, देखिए यहाँ पर क्या, ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है उसको लिख दीजिए, नीचे जो लिखा है उसको लिखना है, फिर नीचे से ऊपर की संख्या घटाइए, 8 से 3 का कितना बचा 5, फिर गुणे में, फिर वही जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लिखिए, नीचे से ऊपर वाली संख्या घटाइए, 5 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 1, और गुणे में ये जो दिया है आपका 30, तो 5 × 30, 5 × 30 8 × 5 = 40 और गुणे 6 × 6 = 24 और ये 20, तो 240 पेज थे उस पूरी किताब में, कितने पेज थे 240, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 3 क्विंटल 30 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 429 रुपये है तो 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य क्या होगा। देखिए 3 क्विंटल और 30 kg का मूल्य बराबर कितना है 429 रुपये। देखिए इनको बना लीजिए आप किलो में, 300 किलो ये होगा और 30 किलो ये, तो 330 केजी का मूल्य 429 रुपये, तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा 429/330, निकालना कितना है 1 क्विंटल का यानी 100 केजी का 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 11 तियां 33, यहाँ पर कितना बचा 9, 11 × 9 = 99, 3 × 3 = 9, 13 × 10 = 130 रुपये, 1 क्विंटल गेहूँ का जो मूल्य है 130 रुपये है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ये सरलीकरण का प्रश्न है, इसे हल करना है, तो देखिए कैसे हल करते हैं, 13 × 26 = 27/2 −3 × 6 = 7/2 माइनस मंझला ब्रैकेट माइनस 3 × 6 = 6 जाएगा कितना बचेगा 5/2 मंझला ब्रैकेट छोटा, हल कर लिया। अब देखिए 27/2 माइनस 7 बटे
दो, तीन दूना छः, छः से पाँच जाए कितना बचेगा एक, मझला भी हल हो गया। 27/2 माइनस यहाँ 7 से एक जाएगा कितना बचेगा 6/2। अब 27 से 6 जाएगा कितना बचेगा 21, 21/2। तो 2 × 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, या ऐसे आप लिख सकते हैं 10 सही 1/2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, राम का वेतन रहीम के वेतन से 15% अधिक है। राम का वेतन 1265 रुपये है तो रहीम का वेतन ज्ञात कीजिए क्या है। मान लेते हैं राम का वेतन जो है निकालना हमें रहीम का वेतन, मान लेते हैं रहीम का वेतन x है, किसी का भी वेतन 100% होता है और इसका वेतन कितना है 115, यानी 100 में 15 जोड़ते हैं, ठीक है। इसका वेतन वास्तविक में कितना है 1265, तो 23 × 5 = 115, 23 × 5 = 115, 5 × 2 = 10, 165 है, 23 × 5 = 115, फिर यहाँ पर कितना बचा 11, फिर 23 × 5 = 115, तो 20 × 55 जीरो, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 = 11, तो रहीम का वेतन जो है वो 1100 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 22801 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। देखिए वर्ग का जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, ये चीज़ दे रखी है 22801 वर्ग मीटर, तो एक्स स्क्वायर मान लेते हैं भुजा, तो एक्स बराबर क्या होगी 22000 का हम निकालते हैं वर्गमूल, इधर से हम इसके जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो एक से काटेंगे तो 1 × 1, फिर इसका दूना करेंगे 1 × 1, घटाया तो कितना आया 1, इसका 2 गुना होता है, फिर क्या करेंगे जोड़ा उतारेंगे, जोड़ा उतारते हैं फिर काटते हैं पंचे पर, तो 25, 5 × 2 = 10 × 11, फिर कितना बचा यहाँ पर 3, कितना बचा 3, यहाँ पर बचा 3, फिर यहाँ पर क्या करते हैं 0, फिर जोड़ा उतारते हैं, अब इसका दूना करते हैं, तो 5 × 5 = 10, यहाँ पर 3, 1 से काटते हैं तो देखिए 91 काटेंगे 301 आएगा, ठीक है। तो जो भुजा हमारी आई x बराबर वो 151 मीटर की आई, 151 मीटर की आई। पूछता क्या है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप दोस्तों होता क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, 4 × भुजा, तो 4 × 151, तो 4 × 4, 4 × 5 = 20, 4 × 4 और 2 = 6, तो 604 मीटर जो हमारा परिमाप होगा वो 604 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक 1125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1375 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए यहाँ पर कोई रेलगाड़ी जा रही है, ये पुल है, ये गाड़ी है और ये पुल है, तो पुल की जो लंबाई है वो है, पुल की लंबाई 1375 मीटर है और गाड़ी की जो लंबाई है वो 1125 मीटर है, तो भाई दूरी तो इतनी बनी जाके, तो दोनों की दूरी क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब देखिए 1125 और 1375 इनको जोड़िए, 5 × 5 = 10, 0 × 7 = 9, 1 = 10, 3 × 4 = 5, तो 2500 मीटर की दूरी बनी, लेकिन यहाँ पर चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति हावर्स, तो इसको क्या करेंगे सेकंड में मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो 5/18, 9 × 18, 4 × 72, 20 मीटर प्रति सेकंड। हमें बताना है इसमें समय, समय बराबर होता है
दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 2500 और बटे स्पीड कितनी है 20, जीरो से जीरो कैंसिल, दो एक जीरो से जीरो कैंसिल, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पंचे दस, 125 सेकंड का जो समय लगा वो 125 सेकंड का, लेकिन इसे हम क्या करेंगे उसमें भी बदल लेंगे मिनट में, मिनट में भी बदल लेंगे, तो 60 दूना 120, यहाँ पर फिर बच्चा कितना 5, तो 2 मिनट 5 सेकंड, 2 मिनट 5 सेकंड का समय लगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक, प्रत्येक का गुणनखंड है। बी नंबर है, प्रत्येक संख्या का गुणज उसका किसी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। सी, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। डी, प्रत्येक संख्या का गुणज है। इसमें देखिए, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो है डी, एक प्रत्येक संख्या का गुणज है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखिए, रमेश किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, यदि वह 8 दिन तक काम करे तो वो कितना करेगा? देखिए, रमेश द्वारा जो है 8 दिन में 24 दिनों में काम कर सकता है, तो 8 दिन में तो काम निकालना है, तो 8 कम 8, 8 3 24, 1/3 भाग जो है 8 दिन में काम करेगा। शेष कितना काम बचेगा? शेष काम था पूरा 1, तो 1/3, तो 2 एकम 2 माइनस 1/3 तीन, तो यहाँ पर बचेगा 2/3 भाग काम बचेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, रवि एक मोटर साइकिल 15,000 रुपये में खरीदा तथा उसे 225 रुपये सड़क टैक्स एवं 150 रुपये लाइसेंस फीस देने पड़े, बताओ फिर उस मोटर को स्वयंकाल में कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए, उसने मोटर भाई ख़रीदा था 15,000 रुपये का, फिर वह जो है टैक्स दे दिया उसने 225 रुपये, फिर 150 रुपये लाइसेंस फीस दे दी, लाइसेंस फीस दी, अब उसका मोटर पड़ा कितना? 50, 5 और 5 2 7 और 3 15,375 रुपये का। अब उसे 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, तो गुणे 120 और बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 6 12 2 5 10, 5 3 15 5 3 15, 5 7 35 5 25, तो 3,075 × 6, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, 6 3 18, 18,450 रुपये का वो बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, सेठ करोड़ी मल की 40% संपत्ति का 28,00,000 रुपये था, उसने अपने कुल संपत्ति का 60% दान कर दिया, 10% अपने मित्र को बांट दिया, बताओ उसके पास कितने मूल्य का संपत्ति शेष बचा। देखिए, करोड़ी मल की जो संपत्ति थी वो 40% की जो वैल्यू थी वो 28,00,000 रुपये के बराबर थी, तो क्या करेंगे, 100% की उनकी संपत्ति निकालनी है, तो 28 लाख होगी गुणे 100 और बटे 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 7 28 7, तो 5 जीरो थे ही, 6 जीरो और करते हैं। अब देखिए, उन्होंने दान कितना दिया था, 60%, 60% किसको दान दिया था, अपने संपत्ति का 60% दान कर दिया, 10% अपने मित्र को दान कर दिया, यानी 10% मित्र को, 70% दान कर दिया, उनके पास बची संपत्ति कितनी, 30%, तो इसका जो है सैकड़ा दहाई 70 लाख का हम 30% निकाल लेंगे, तो बटे 100, जीरो से दो जीरो कैंसिल, 7 3 21,
सात यहाँ 21, 3, 4 और 5 जीरो बच्चे, कितने जीरो बच्चे 5, तो 21 लाख रुपए उनकी संपत्ति बची। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 1547 बटे 182 का दशमलव मान बताना है, दशमलव मान बताना है। तो देखिए इसे भाग कर लेते हैं, 182 8 से कटेगा, 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16 के 6, 8 ठाई 64, 1 65, 8 करना 8 और 6 14, यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर 1, 14 से 5 गए, 14 से 5 गए कितना बचा, 14 से 5 गए, यहाँ पर बचा 9, पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 1 41, 5 करना 5 और 4 9, तो पॉइंटों में मान आया 8.5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 18, राहुल ने बैंक से 9000 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9% पर 3 वर्ष के लिए ऋण लिया, उसने 3 वर्ष बाद बैंक को 11000 रुपये वापस कर दिए, बताओ उसे अभी कितने रुपए और देने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर P बराबर इसका कितना है 9000 रुपये, R बराबर कितना है 9%, N बराबर है 3 वर्ष। निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है, तो साधारण ब्याज पहले निकाल लीजिए, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P गुणे R गुणे N बटे 100, तो 9000 गुणे 9 गुणे 3 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 9 9 81 और एक जीरो, और 3 से गुणा करिए, 3 जीरो में जीरो, 3 करना 3, 3 अठे 24, यानी 2430 रुपये उसका ब्याज आया। मूलधन था कितना इसका 9000 रुपये, तो 2430 रुपये आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पर बनेगा 11430 रुपये, 11430 रुपये तो उसका मिश्र धन बना, लेकिन उसने दे दिया था 11000 रुपये, उसने 11000 रुपये दे दिया था, अब उसे देने कितने होंगे 430 रुपये और देने होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, चबूतरे के चारों ओर चक्कर लगाने में 16 मीटर चलना पड़ता है, ऐसे ही चबूतरे का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, उसमें कितने मीटर चलना पड़ेगा। देखिए 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, ठीक है, तो एक बात बताओ, और 16 मीटर चलना पड़ता है, चबूतरे के चारों ओर चलना पड़ता है 16 मीटर, तो भुजा इसकी कितनी हुई चबूतरे की, क्षेत्रफल कितना होता है इसका वो वर्ग का, भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भैया 16 का आप अंडर रूट करेंगे कितना आएगा 4 मीटर, परिमाप में ही चलेंगे, परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 चक्कू 16 मीटर। इसी प्रकार 36 वर्ग मीटर चबूतरा है, तो भुजा स्क्वायर तो होता है क्षेत्रफल, तो इसकी भुजा कितनी होगी 36 का अंडर रूट 6 मीटर, यानी भुजा 6 मीटर आई, जब भुजा 6 मीटर आई तो परिमाप क्या होगा 4 गुणे भुजा, यानी 6 चौक 24 मीटर, 24 मीटर ही चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भिन्नों को सही आरोही क्रम है, सही आरोही क्रम है, तो देखिए कोई भी भिन्न हो इनको एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर आपको नहीं करना होगा। आरोही क्रम कैसे चेक करते हैं, देखिए इनको सबको पॉइंट में ले लीजिए, पॉइंट में ले लिया, अब 20 तियां 60 तो पॉइंट 30, 8 पंचे 40, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। अब इन संख्याओं को आप देखिए, सबसे आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी, जिस प्रकार से इस समय चुनाव पंचायत में चल रहा है आरोही अवरोही वाला। देखिए तो पॉइंट 30 यानी 6 बटा 2
फिर इससे छोटा कौन, इससे बड़ा कौन सा है, 4.4/8, फिर 9/16 और 3/4, ये क्रम आपका आरोही क्रम कहलाएगा। तो ऐसा क्रम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे डिसलाइक करिए, नए व्यूअर्स हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में शेयर भाई जरूर करिए। देखिए बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद दोस्तों।